जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तानाजी फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि फिल्म ने अपने रिलीज होने से पहले कमा लिए हैं कितने करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2020 मच अवेंटेड फिल्म तानाजी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का पूरा नाम है तानाजी द अनसन वॉरियर, जो कि काफी शानदार नाम है। और दोस्तों यह फिल्म आधारित है हमारे इतिहास के ऊपर। इसी के साथ में दोस्तों यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा हिस्टोरिकल फिल्म है जिसके अंदर अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान जैसे बेहतरीन स्टार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों फिल्म के अंदर एक्शन भी हमको 3D में बताया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म के एक्शन सीन्स 3D में काफी अच्छे लगेंगे। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म के सपोर्ट की, तो दोस्तों इस फिल्म का सपोर्ट अभी काफी बेहतरीन चल रहा है। जी हां दोस्तों, फिल्म के सभी ट्रेलर सुपर डुपर हिट रहे, फिल्म के सभी सॉन्ग सुपर डुपर हिट रहे और दोस्तों फिल्म को अच्छे खासे रिव्यू देखने के लिए मिले ट्रेलर रिव्यू। वहीं पर अगर हम बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो इस फिल्म के डायरेक्शन में दिए गए हैं ओम राउत, जो कि इस फिल्म के अंदर डायरेक्शन काफी शानदार तरीके से देते हुए नजर आए। और दोस्तों इस फिल्म के नाम को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए हैं अजय देवगन सर, भूषण कुमार और कृष्णा कुमार। इसी के साथ में दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 110 करोड़ रुपए है और इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में ही नहीं, जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को हिंदी और मराठी लैंग्वेज में भी रिलीज करा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं साथ ही साथ में फिल्म की स्क्रीन काउंटिंग की। तो दोस्तों इस फिल्म को हिंदी वर्जन में दी गई है 3500 स्क्रीनें, वहीं पर इस फिल्म को मराठी वर्जन में मिली है 500 स्क्रीनें, यानी कि दोस्तों यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 4000 स्क्रीनों पर लॉन्च करी जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिल्म का एडवांस कलेक्शन यानी कि प्री रिलीज बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने सैटेलाइट राइट्स बेच चुकी है 55 करोड़ रुपए में, जिसको खरीदा है स्टार गोल्ड कंपनी ने। वहीं पे इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बिके हैं 30 करोड़ रुपए में, जिसको खरीदा है हॉट स्टार ने। और दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं 10 करोड़ रुपए में, जिसको खरीदा है टी सीरीज कंपनी ने। इसी के साथ में दोस्तों इस फिल्म ने 95 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों जिस तरीके से फिल्म को 4000 स्क्रीनों पर लॉन्च करा जा रहा है और दोस्तों इस फिल्म का इतना बेहतरीन बस देखने के लिए मिल रहा है, तो उससे कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म अपने पहले दिन 25 से 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। और दोस्तों फिल्म के रिव्यू ज्यादा अच्छा है तो यह शायद से फिल्म 50 करोड़ की ओपनिंग भी ले ले। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म के हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर होने की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म को हिट होने के लिए कमाना होंगे क्लीन हिट होने के लिए लगभग 140 करोड़ रुपए। वहीं पर इस फिल्म को सुपर हिट होने के लिए कमाना होंगे 180 करोड़ रुपए और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए कमाना होंगे लगभग 300 करोड़ रुपए। वहीं पर इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के लिए कमाना होंगे 350 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मुझको एक डाउट ये भी है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत के अंदर देशवादी फिल्में ज्यादा कारोबार नहीं करती। अब देखना यह है कि तानाजी फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेती है। आपकी क्या राय है, 25 करोड़, 30 करोड़ या फिर 40 करोड़, हमें अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का।